मध्य प्रदेश योजना के अंतर्गत आज हम दो योजनाओं की बात करेंगे। तो हमारी पहली योजना है पंख अभियान। तो सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत की थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो इस अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के सहयोग से किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। पंख दरअसल एक एब्रिविएशन है जिसका पूरा अर्थ है पी से प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस, एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज और एच से हेल्थ व हाइजीन। इसके अंतर्गत विशेष प्रावधानों की बात करें तो विद्यालयों में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए अपराजिता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से 23,000 बालिकाओं को जूडो, कराटे और ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसे पुलिस विभाग के साथ समन्वय से स्थापित किया जाएगा। किशोरियों को उनकी रुचि के अनुसार आत्मरक्षा हेतु पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं अपनी दूसरी योजना की। ये योजना है लॉन्च पैड योजना। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 से ये योजना शुरू की गई है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के तहत प्रदेश के बाल गृह के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 18 साल के बच्चों को एक मंच उपलब्ध कराना इसका मकसद है। इसके माध्यम से वे संस्थागत जीवन से बाहर आने के बाद अपने शिक्षण एवं प्रशिक्षण को जारी रखते हुए आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसके अंतर्गत मुख्य प्रावधानों की बात करें तो लॉन्च पैड योजना में प्रदेश के 52 जिलों को 5 क्लस्टरों में बांटा गया है। 5 संभागीय मुख्यालय इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर तथा भोपाल में प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत बाल गृहों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 6 से 8 युवाओं के समूह को कॉफी शॉप, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, नोटरी आदि कार्य के लिए सार्वजनिक स्थल पर स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक लॉन्च पैड की स्थापना के लिए 6 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।